हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम जा रहे हैं डी मार्ट टू बाय सम ग्रोसरीज। अब कार भी पार्क हो गई, सो लेट्स गो। जस्ट एंटर होने से पहले ही हम मिले एक अमेजन से। नाइस टू मीट यू। एंड एज ऑलवेज मम्मा के पास एक ग्रोसरी लिस्ट भी तैयार है, सो स्टार्टिंग विद दाल एंड पल्सेस टू मेक यमी यमी रेसिपीज, जैसे कि मूंग दाल फॉर दाल फ्राई, दही वड़ा, चना फॉर पानी पूरी एंड मिक्स दाल फॉर दाल तड़का वगैरह वगैरह। देन बाजू के सेक्शन में थी सम बेसिक थिंग्स जैसे कि शुगर, ऑयल, जैगरी वगैरह, सो वो भी ले लिया। दिस वन इज माई फेवरेट, रवा टू मेक रवा डोसा। तो सांभर मसाला हमने ले लिया एवरेस्ट का। वैसे आपके घर में कौन से मसाले यूज होते हैं? एक्चुअली हमारे घर में तो मम्मा कुछ DIY भी बनाते हैं और कुछ बाहर से भी लेते हैं हम। एंड आपको तो पता ही है कि ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मम्मा कैटेगरी वाइज लिस्ट प्रिपेयर करता है। तो जैसे जैसे थिंग्स ट्रॉली में ऐड होती जा रही है, वैसे वैसे मम्मा टिक भी करते जा रहे हैं। फाइनली चॉकलेट सिरप ऐड हो ही गया। फिर मम्मा को कुछ यूटेंसिल्स में चाहिए था, तो अभी वही वाला सेक्शन देख रहे हैं। एंड साथ में दो एयर टाइट कंटेनर्स चाहिए थे, मतलब लंच बॉक्सेस चाहिए थे जो एकदम लीकेज प्रूफ हो। क्या आपको भी चॉकलेट वाला सेक्शन एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है? एंड हमने यहाँ से कौन सी चॉकलेट ली होगी वो आप जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ, मैं आपको 2 मिनट्स में बताती हूँ। बाकी का कुछ सामान जो एग्जैक्टली चाहिए था वो यहाँ पे नहीं था, इसलिए बिलिंग करवा के हम जा रहे हैं दूसरे ग्रोसरी मॉल। एंड यस, जिन जिन लोगों ने कमेंट्स में डेरी मिल्क लिखा है उनका गेस राइट है। बट एक्चुअली चॉकलेट वाले सेक्शन में मैं ढूंढ रही थी अमूल की मिनी चॉकलेट, जो रियल में एकदम मिनी होती है, बट वो यहाँ पर थी नहीं, इसलिए हमने डेरी मिल्क ले ली। नाउ लेट्स गो टू अनदर मॉल। तो ये आ गया हमारा दूसरा मॉल। दीदी, हमारा दूसरा मॉल हमारा दूसरा डेस्टिनेशन टू बाय सम ग्रोसरीज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले ली ट्रॉली। ये वाले मॉल में ना डेयरी प्रोडक्ट्स की बहुत ही ज्यादा रेंज होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं केसर फ्लेवर वाला मिल्क, विच इज माय फेवरेट। मतलब ऑफ कोर्स बोनवीटा तो ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन इस तरह से जो फ्लेवर्ड मिल्क आता है ना, उनमें से ये केसर फ्लेवर वाला मिल्क फेवरेट है। वाओ, यहाँ पे हमें ये मिनी चॉकलेट्स मिल गई। इसमें 2 टाइप्स आती है, मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट। हम मिल्क चॉकलेट लेते हैं। चीज स्प्रेड्स में गार्लिक, ओरिगानो, जीरा, पेपर, प्लेन, बहुत सारे फ्लेवर्स है। सो ये सेक्शन में से हमने लिया मिनी बटर वाला पूरा पैकिंग, अनसॉल्टेड बटर एंड प्लेन चीज। वैसे कप नूडल्स में यहाँ पे बहुत डिफरेंट वेराइटीज है, बट हमने कप नूडल्स नहीं लिए। इनफैक्ट हमने तो नूडल्स ही नहीं लिए, बट ये पास्ता ले लिए जो है विदाउट मैदा। एक्चुअली ग्रोसरी शॉपिंग में मम्मा के साथ जाते जाते तो मुझे बहुत सारी थिंग्स का पता चला है, जैसे कि नेम्स ऑफ पास्ता, कौन से स्पाइस कौन सी दाल में यूज होंगे, वो सब वगैरह वगैरह। एंड ग्रोसरी शॉपिंग मम्मा ग्रोसरी मॉल से ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिस्ट वाला सारा सामान तो मिल ही जाता है, बट सेम प्रोडक्ट कोई और ब्रांड में हो तो भी पता चलता है। एंड साथ में कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है जो हम अभी यूज ना कर रहे हो, सो न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करने को भी मिलती है, और अच्छा लगे तो ट्राई भी कर सकता है। ये आ गया ऑलिव ऑयल एंड एसाफोर्टिडा, और इस बार ले लिए पीनट्स के 2 पैकिंग्स, क्योंकि कुछ चटर बटर भी बनने वाला है और पीनट बटर भी। और पॉपकॉर्न्स में कौन सी फ्लेवर ले, चलिए यही वाला ट्राई करते हैं। फिर हमारी ट्रॉली चली लेने बोनविटा, बट बहुत बड़ा वाला नहीं, छोटा सा पैकिंग। चलिए कुछ न्यू थिंग्स के इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज ले लें। तो बिस्किट्स वाले सेक्शन में से आपके फेवरेट बिस्किट्स कौन सा है कमेंट्स में जल्दी से बताइए। क्रीम वाले एंड विदाउट क्रीम, सारे टाइप्स के बिस्किट्स में से आपके कोई भी 2 फेवरेट बताना। पहले मुझे बहुत पसंद थे ओरियो एंड 2020 बिस्किट्स, बट अभी एज सच कोई एकदम फेवरेट बिस्किट तो नहीं है, लेकिन हाँ मम्मा जो घर पे कुकीज बनाते हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है। इसमें भी यार और इसमें भी यार, ये तो लेना बनता है।
वैसे हेयर ऑयल तो ऑलरेडी डीआईवाई बन गया है, तो कोकोनट ऑयल की छोटी सी बोतल ले लेता है। और यह आ गया कुछ चटर पटर का सेक्शन, हमारा ट्रैवलिंग भी है तो थोड़ी सी सोया स्टिक्स ले लेता है। और यहाँ पे क्या क्या है, कौन से टाइप्स की चिप्स है वो भी देख लेता है। अगर आप लेज में से मेरी फेवरेट चिप्स पूछो तो वो मैजिक मसाला है, लेकिन लास्ट टाइम ये सोया स्टिक्स ट्राई की थी तो बहुत पसंद आई थी, इसीलिए इस बार वही ले ली। और मैं और मम्मा यही बातें कर रहे थे कि और क्या कुछ लेना बाकी है यहाँ से। एक काम करता है, इस बार दो छोटी छोटी बॉटल्स की जगह एक बड़ी वाली बॉटल ले लेते हैं वॉशिंग मशीन लिक्विड की। यहाँ पे है कुछ डिफरेंट ब्रांड्स के चॉकलेट सिरप, एंड ये है टोमेटो केचप, एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कंडेंस्ड मिल्क, जो स्वीट बनाने में काफी अच्छे से यूज आता है। ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। Now finally it is billing time. Now let's go downstairs. Yes, because your first floor है and यहाँ पे सिर्फ लिफ्ट ही है और हमारे पास सामान भी है, इसीलिए लिफ्ट से ही जाता है। Now we are back to home. वैसे काफी बारिश स्टार्ट हो गई थी, एंड ये है ग्रोसरी शॉपिंग का सेकेंड टास्क, जो है बिल चेक करना। एंड हमने दो डिफरेंट डेस्टिनेशन से शॉपिंग की थी, इसीलिए दो बिल्स है। तो सारी थिंग्स मैं बैग में से निकालती जा रही हूँ। एक्चुअली हर बार मैं और मम्मा दोनों मिलके बिल चेक करते हैं, लेकिन इस बार मम्मा थोड़े से बिजी थे तो मैंने सोचा मैं चेक कर लेती हूँ तब तक। तो सारा सामान हमने बैग में से बाहर निकाल लिया। ओह नो, ये वाली बैग में से निकालना तो रह गया, तो इसमें से भी सारा सामान कैटेगरी वाइज रख दिया। वैसे तो हम हर एक थिंग बैग में से निकालते जाए, वैसे ही चेक करते जाए बिल में से, वो भी चल जाता है, बट दिस मेथड इज रियली वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। एंड अगर एक टाइप की थिंग्स एक साथ रखे, एक कैटेगरी में रखे, तो सॉर्ट आउट करने में काफी इजी रहता है। तो ये सारी ग्रोसरीज हमने आज ली है। और ये है ग्रोसरी शॉपिंग का थर्ड एंड फाइनल टास्क, जो है सारी ली हुई थिंग्स को ऑर्गेनाइज करना। सो मैं और मम्मा ये सारी थिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप कमेंट्स में बताना ये वीडियो कैसा लगा, एंड बाय।